हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। जब से मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि सीबीएसई के क्लास 10th और क्लास 12th के रिजल्ट थोड़े से डिले होंगे क्योंकि कॉपीज फिर से चेक हो रही हैं। लगातार बच्चों के मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पर और ईमेल भेज रहे हैं बच्चे और कह रहे सर क्या चेक हो रहा है, मतलब जो हमारी कॉपी चेक हो रही है वो कैसे चेक हो रही है, सीबीएसई में सारी कॉपी चेक हो रही है या कुछ लोगों की कॉपी चेक हो रही है और इसमें हमारा फायदा है नुकसान है। तो हमने कहा लाओ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई ऑफिशियल से ही पता करते हैं, सीबीएसई से ही पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो हमने बात करने की कोशिश की रीजनल ऑफिसेज, हेडक्वार्टर और अपने कुछ ऐसे सोर्सेज से जिनसे हमें ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती है, तो वो सब कुछ इसमें शेयर करूंगा। साथ ही में कल हमने एक वीडियो बनाया था प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के, प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम के बच्चों के लिए, तो उनके बारे में इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने वाला हूं क्योंकि बच्चे जब से कल से उन्होंने वो वीडियो देखा है, कई सारे बच्चों को इस बात का डर लग रहा है कि अब हमारा होगा क्या। तो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बस अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बच्चों सबसे पहले बात सीबीएसई के टर्म 1 एग्जाम रिजल्ट की। तो अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर्स में निकला था, आपने पढ़ा होगा कि अभी सीबीएसई के टर्म 1 एग्जाम की कॉपी का रीवैल्यूएशन हो रहा है। रीवैल्यूएशन मतलब रीचेकिंग हो रही है। आपको पता होगा बच्चों की जो कॉपी थी स्कूलों में चेक की गई थी कुछ दिनों तक, उसके बाद में सीबीएसई ने रोक लगा दी थी और कहा था कि कॉपी अब हम चेक करेंगे। तो एक तो वो वाली कॉपी बची थी जिस पे उसने रोक लगाई थी, हालांकि वो कुछ ही सब्जेक्ट की थी और क्लास 12 की थी, ऑलमोस्ट क्लास 10th के सब्जेक्ट का एग्जाम लगभग खत्म हो गया था तब तक। तो एक तो जो बची हुई कॉपीज थी जो स्कूलों में नहीं चेक हुई, एक तो वो चेक हो रही हैं। दूसरी, आपको पता ही होगा बच्चों की बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में मिस्टेक निकला था। हा? आपको पता ही होगा कि कुछ पैराग्राफ्स हटाए गए थे, कुछ क्वेश्चन हटाए गए थे, कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं थे और कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक था। तो अब लोग उसी पर तो कह रहे हैं ना कि बोनस मार्क्स मिलेंगे, तो हमने इसको भी क्लियर किया कि भाई बोनस मिल रहे, एक्स्ट्रा मिल रहे, क्या है इसका भी थोड़ा सा कंफर्म हो। तो बच्चों सीबीएसई के यहाँ जो मतलब ये ओएमआर सीट गई है उसकी स्कैनिंग हो रही है, मतलब जो ओएमआर एक तो स्कैन करके भेजा गया था, ओएमआर की फोटो भेजी गई थी, अब रियल हार्ड कॉपी में ओएमआर भेजा गया है, सीबीएसई के पास में है, तो उसकी स्कैनिंग हो रही है और ये चेक हो रहा है कि जो सीबीएसई के इवेल्युएटर्स ने चेक की है कॉपी वो सही चेक की है कि नहीं, क्योंकि भाई अगर आप गलत नंबर दोगे तभी बच्चों को गुस्सा लगेगा और अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी तभी तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो मिस्टेक हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि स्कूल में मैनुअली चेक किया गया है तो वो मिस्टेक ना हो, रिजल्ट थोड़ा देर में आए लेकिन बच्चों का नुकसान ना हो, तो बच्चों इसमें आपका फायदा है। और अगर किसी टीचर ने गलती से भी आपको कोई नंबर काट लिया होगा या नहीं दिया होगा तो उसमें नंबर आपके बढ़ने की संभावना है, एक तो ये फायदा है। दूसरा फायदा ये है बच्चों कि अगर किसी ने गलती से, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि किसने किसको बढ़ा के नंबर दिए, तो अगर कुछ ऐसा किसी के साथ हुआ होगा तो हो सकता है सीबीएसई की पकड़ में ये लोग आए और उन पर भी कार्रवाई सीबीएसई करे। तो इसलिए इस लिहाज से सीबीएसई की जो ओएमआर हैं उनका चेकिंग फिर से हो रहा है, जो कॉपी चेक ही नहीं हुई थी उनका तो होना ही है। तो बच्चों जो लोग आपको ये डरा रहे हैं कि अरे भैया आप तो तुम फेल हो जाओगे, ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है और इसका बच्चों आपको फायदा ही मिलने वाला है, जब रिजल्ट आएगा तब आप देख लेना। क्योंकि कई सारे क्वेश्चन पे बाद में बहुत विवाद हुआ था जब नंबर भेजे जा चुके थे, आपको पता ही होगा कि बाद में मतलब कई दिनों के बाद में वो क्वेश्चन हटाया गया, वो पैराग्राफ हटाया गया, तो ऐसे बच्चों को नंबर कैसे मिलेगा, इन सारी चीज़ों के लिए रीचेकिंग जरूरी था और इसीलिए थोड़ा सा डिले आपके रिजल्ट में हो रहा है। अब जो टर्म 1 एग्जाम दे चुके हैं थोड़ा सा इंतजार करेंगे टर्म 2 के और टर्म 1 के रिजल्ट का, टर्म 2 की पढ़ाई करेंगे। और मैंने आपसे कहा है बच्चों कि डिस्क्रिप्टिव पेपर की पढ़ाई आपको करनी है, ऑब्जेक्टिव पेपर होने की संभावना ज्यादा है इसलिए क्योंकि डिमांड इसकी ज्यादा हुई है। तो बच्चों अनअकैडमी लॉन्च करने वाला है द बिगेस्ट टेस्ट ऑफ द ईयर फॉर क्लास 7 to 10th आईआईटी जेई नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए। द अनअकैडमी प्रोडिजी एक फ्री मॉक टेस्ट है जहां आपको मौका मिलेगा अनबिलीवेबल रिवॉर्ड्स जीतने का। ये एक घंटे का टेस्ट 23 जनवरी और 29 जनवरी को तथा 6 और 13 फरवरी को कंडक्ट होगा। इसमें हर एक पार्टिसिपेंट को चांस मिलेगा एजुकेशन फॉर लाइफ जीतने का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, टॉप स्कोरर्स जीत सकते हैं अप टू 100% स्कॉलरशिप उनके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 20 लाख रुपए तक। एजुकेशन फॉर लाइफ 29 जनवरी और 13 फरवरी को होने वाले टेस्ट पर ही वैलिड होगा। इसके अलावा आप मैकबुक, आईफोन्स, आईपैड्स जैसे एक्साइटिंग रिवार्ड्स भी जीत सकते हैं। लर्नर्स इस मौके को हाथ से जाने मत देना क्योंकि आपको टेस्ट के बाद डिटेल्ड स्कोर कार्ड मिलेगा और वीडियो सॉल्यूशन के साथ एनालिसिस भी। 15 जनवरी से आप 30 मिनट का प्रैक्टिस टेस्ट भी दे सकते हैं। साथ ही बच्चों अनअकैडमी लाया है लिमिटेड पीरियड ऑफर, 12 मंथ्स एबब के प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगा 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। इसी तरह 12 मंथ के या एबब के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगा 6 मंथ का क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, मेरा कोड GEA यूज करें फ्री में एनरोल करने के लिए और साथ में 10% ऑफ भी मिलेगा किसी भी सब्सक्रिप्शन पर। लेट्स क्रैक। लेकिन तुम डिस्क्रिप्टिव की पढ़ाई अभी इसलिए करोगे कि चूंकि सीबीएसई का डिस्क्रिप्टिव का भी ऑप्शन उसके पास में है, ऑब्जेक्टिव वाले में उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, तो अगर सीबीएसई ने डिस्क्रिप्टिव कर दिया तो आपका जो टाइम है वो बेकार नहीं जाएगा। और अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे और डिस्क्रिप्टिव कर दिया तो टाइम कम बचेगा। वैसे जो कुछ भी है इन सब पर से पर्दा 10 से 15 दिनों के अंदर उठ जाएगा। कोरोना ना आया होता, इतना तेजी से ना आया होता तो अब तक कब का उठ गया होता। तो खैर
थोड़ा सा इंतजार करेंगे आप लोग और ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कल मैंने जब वीडियो बनाया प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम के बच्चों के बारे में, तो बच्चे कहने लगे सर ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है, ऐसा है वैसा है। बच्चों की समझ में वो बात आई कि प्रो रेटा बेस का हमें नुकसान होता है, लेकिन बच्चों ये ऐसा था नहीं पहले। पहले क्या नियम था, अभी दो साल पहले की बात मैं आपको बताऊं, पहले यह था कि जो बच्चे प्रैक्टिकल एग्जाम फिर से देना चाहे प्राइवेट इंप्रूवमेंट या कंपार्टमेंट में, वो प्रैक्टिकल का भी एग्जाम दे सकते हैं। अगर वो देते थे तो उनसे प्रैक्टिकल की फीस ली जाती थी, नहीं देते थे तो सिर्फ थ्योरी की फीस ली जाती थी। अब हुआ क्या, दो साल पहले नियम आया कि भाई इन लोगों का प्रैक्टिकल नहीं होगा, आप कुछ भी चाहो आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो ये हुआ कि जिन बच्चों ने उसी साल रेगुलर कैंडिडेट का एग्जाम दिया होगा उनके नंबर तो हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, लेकिन अगर एक साल बीत गया है उसके बाद में बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो प्रो रेटा बेस पे नंबर देंगे। बच्चों को विरोध उसी टाइम करना चाहिए था क्योंकि इसमें नुकसान है। अब काउंसलिंग के दौरान अगर आपको लौटा दिया जाता है तो आप खाली हाथ लौट करके ठगा सा महसूस करोगे। बच्चों सीबीएसई के सामने अगर ये बात निर्भीक रूप से पहुंचेगी और उठाई जाएगी, आप में से बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी जगहों पर सीबीएसई से फाइट किया है और सीबीएसई से अपनी बात मनवाई है, इसमें बच्चों का नुकसान है। जितना परसेंट तुम थ्योरी में पाए हो उतना परसेंट प्रैक्टिकल में कभी नहीं, उससे ज्यादा तुम पाते थे। अब तुम देखो तुम्हारा नुकसान है या फायदा है, तो बच्चे डरे हुए करें सर हमें करना क्या चाहिए। बच्चों इसमें मैं तुम्हें बताऊं, तुम ही कुछ कर सकते हो और कोई कुछ नहीं कर सकता। जितने भी यूट्यूबर्स हैं आप, तुम उंगलियों पे गिन लो कि कितने लोग इस मुद्दे को उठाना चाह रहे हैं। क्या किसी ने इसके बारे में बात की कि भाई प्रो रेटा बेस के मार्क्स गलत हैं, बच्चों को सही नंबर दिए जाने चाहिए और दिए जाने चाहिए भी क्योंकि तुम्हारा नुकसान है इसमें। तो बच्चों तुम्हारी तरफ से स्कूल वाले तो बोलेंगे नहीं, तुम्हारे अंदर यूनिटी है नहीं और तुम किसी का सपोर्ट इतना अच्छे से नहीं कर रहे कि उसकी बात सुनी जाए। फॉर एग्जाम्पल तुम मेरा ही सपोर्ट इतना बढ़िया नहीं कर रहे हो कि मैं कुछ कहूंगा तो वहां बहुत अच्छे तरीके से सुनी जाएगी। हालांकि हमने कुछ कोशिशें की थी और वो कामयाब हुई, हमने उसको दिखाया भी था आपको कि जो हम लोगों की कोशिश थी कि आपका ये आ जाए टर्म टू का एग्जाम हो जाए, और टर्म टू के लिए जो बहुत से लोग कह रहे थे, अभी देख लेना बच्चों बहुत से लोग कह रहे थे उस टाइम पर कि टर्म टू का एग्जाम नहीं होगा, मतलब इन बच्चों का एग्जाम ही नहीं होगा, अगले साल जब रिजल्ट आ जाएगा प्राइवेट इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट वालों का एग्जाम तब करवाया जाएगा उन बच्चों के कंपार्टमेंट एग्जाम के साथ में। और हमने कोशिशें की, हमने रिप्रेजेंटेशन भेजा और वो कोशिशें सफल हुई कि नहीं हुई, आपको सेकेंड टर्म का एग्जाम देने का मौका मिला या नहीं मिला, और मौका भी कितना लाजवाब मिला कि अगर तुम सेकेंड टर्म में बढ़िया नंबर ले आते हो तो फर्स्ट टर्म में भी उतने अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो अगर तुम कोशिश करोगे ना तो तुम्हारी हार नहीं होगी, लेकिन तुम कोशिश करोगे तब। अब देखो तुम एक, मैं तुलना तुम्हें बता रहा हूं, जब मैंने ये वीडियो मतलब ये चैनल अपना बनाया उस टाइम पे लगभग 40 से 45 हजार के बीच में सब्सक्राइबर थे जब मैंने सीबीएसई पर वीडियोस बनाने शुरू किए, क्योंकि मुझे लगा कि शायद इन बच्चों की आवाज कोई नहीं उठा रहा है। और मैं स्पेशली बताऊं, मैं सीरियसली जो मैंने काम किया यूट्यूब पे आप लोगों के लिए खाली कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट और प्राइवेट के बच्चों के लिए किया, रेगुलर बच्चों के लिए उतना काम नहीं किया। इवन मैं पढ़ाने का काम भी अपने खुद के ऐप पे करता हूं, यहां पर मैं नहीं पढ़ाता क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। हालांकि कुछ दिन में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ऐसा नहीं है। अब देखो, तो मैंने उस टाइम आप लोगों की आवाज उठाई, लगातार 3-4 सालों से मैं आप लोगों की आवाज उठा रहा हूं। ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप चला करके हमने कितने बच्चों को पास कराया, कितने बच्चे रीचेकिंग में फेल हो जाते थे उनको पास कराया। तो बच्चों अगर तुम कोशिश करोगे ना तो तुम्हारी हार नहीं होगी, लेकिन तुम लोगों ने, अब देखो वो बच्चे तो जो हमारे, जब मैं इससे पहले जब 40-45 हजार पर हमने शुरू किया सीबीएसई का वीडियो बनाना, उस टाइम पर रेलवे ग्रुप डी के लिए मैं वीडियोस बनाता था। अभी भी देख लो बहुत सारे वीडियोस रेलवे ग्रुप डी पर हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। उस टाइम पर चैनल का नाम हुआ करता था गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा। अब वो 40-45 हजार लोग तो खिसक रहे हैं धीरे धीरे, इसीलिए हमारे चैनल की ग्रोथ नहीं हो रही। जितने सीबीएसई के जुड़ रहे हैं उतने वो निकल जा रहे हैं, तो चैनल वहीं पर स्टेग्नेंट है। तुम लोग चाहोगे तब ये ग्रो करेगा, और जिस दिन हम लोग भी 1 लाख से ज्यादा की संख्या में हो गए सीबीएसई हमारी भी बात बड़े मजबूती से सुनेगी। अब तुम कितना कर सकते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बाकी तुम अगर हमारे ही साथ जुड़ना चाह रहे हो तो हमारे साथ जुड़ो, ट्विटर पे हमको फॉलो करो और ट्विटर पे मिलके कैंपेन चलाते हैं कि आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग अलग दिए जाएं, या तो कैरी फॉरवर्ड हो और या तो प्रैक्टिकल आपके करवा के दिए जाएं। बाकी जैसी आपकी इच्छा, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ में है बच्चों। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।